Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका हल बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि समस्या है तो इस समस्या का समाधान भी जरूर होगा। Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, it's a special class जो कुछ viewers के demand पर मैंने बनाया है ये वीडियो। तो वो जानना चाहते हैं कि person, what is the person in English grammar, what is the person। आपने भी कभी सुना होगा first person, second person and third person, but sentences में, English grammars के sentences में कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हाय फ्रेंड्स, सो let's start the discussion about person. Okay, person means व्यक्ति। मैंने आपको एक बार number पढ़ाया था, number का मतलब होता है वचन, एक वचन और बहुवचन। person means व्यक्ति। first person मतलब प्रथम व्यक्ति, second person means दूसरा व्यक्ति यानी द्वितीय व्यक्ति, एंड थर्ड पर्सन मीन्स तृतीय व्यक्ति, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया एंड तृतीया। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। कुछ लिख के मैं आपको बताता हूँ। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। सॉरी, व्यक्ति। ये ग्रामर्स में काफ़ी काम आता है सेंटेंसेस बनाते वक्त में, बट मैं पर्सन्स के द्वारा नहीं समझाता लोगों को। मेरा समझाने का तरीका अलग है, बट पर्सन के द्वारा ज़्यादातर मैंने किताबों में भी देखा है। फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसा, सेकंड पर्सन के साथ ऐसा, थर्ड पर्सन के साथ ऐसा, बट मेरा समझाने का तरीका कुछ और है। और जो जिस तरीके से मैं समझाता हूँ उससे बच्चा भी समझ जाता है और कि क्या करना है, किसके साथ क्या लगाना और किसके साथ क्या लगाना है। बट मैं आपको अच्छी तरह से पर्सन के बारे में आज समझा देता हूँ कि पर्सन क्या है। ठीक है, तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन। दूसरा, सेकंड पर्सन। और तीसरा, थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड, ये तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई आता है और इसका जो प्लूरल होता है वो वी होता है। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और उसका प्लूरल वी, मीन्स आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और इसका प्लूरल भी यू ही होता है, मीन्स सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही चीज आता है और वो है यू। ठीक है फ्रेंड, और थर्ड पर्सन में भरमार है। थर्ड पर्सन में इसका कोई अंत नहीं है, ही, शी, इट, वगैरह वगैरह। मीन्स ही, सी, इट ही नहीं है, बहुत सारे हैं। वो क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मतलब जो बात कर रहा है, कर रहा है, मीन्स जो बोल रहा है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है। ठीक है, और सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, सुन रहा है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन मीन्स
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, दिस इज द थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड, इसमें कुछ भी आ जाएगा, एनीथिंग। जैसे अगर मैं बोलता हूं मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या हुआ और सेकंड पर्सन क्या हुआ और थर्ड पर्सन क्या हुआ, आपको पता है? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं काफी स्टूडेंट्स को पूछता हूं सेंटेंस लिख के कि तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है मुझे बताओ, तो वो तुम्हारे कोई लिखते हैं, कोई मेरे पिताजी लिखते हैं, कोई डॉक्टर लिखता है, मीन्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप बताओ तुम्हारे पिताजी डॉक्टर, इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है? इसमें फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, तुम्हारे पिताजी, बात तुम्हारे पिताजी की जा रही है, तो इस सेंटेंस में सिर्फ तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है, इसमें ना तो मैं का चर्चा हो रहा है ना तुम का चर्चा हो रहा है, तो इसमें ना तो फर्स्ट पर्सन है ना तो सेकंड पर्सन है, सिर्फ थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। मैं एक गायक हूं, मैं एक गायक हूं, मीन्स मैं इसमें फर्स्ट पर्सन है, तुम चोर हो, इसमें तुम मीन्स यू सेकंड पर्सन है। सिंपल है, आई और वी जिस सेंटेंस में भी आए वो फर्स्ट पर्सन, और यू आए तो सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़ के, आई वी और यू को छोड़कर कुछ भी एनी थिंग्स आर थर्ड पर्सन। समझ में आया? आई और वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़ के जो कुछ भी रहे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं फ्रेंड। सिंपल है, जैसे मैं आम खाता हूं, तो इसमें मैं कौन बोल रहा है? मैं, तो मैं इज द फर्स्ट पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन। तुम गीत गाते हो, तो इसमें तुम, यू इज द सेकंड पर्सन। ठीक है, मेरे पिताजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसमें मेरे पिताजी, इसमें कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, ओनली थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा पर्सन, बहुत इजी है और काम आते हैं ग्रामर्स में। अगर आपको ग्रामर्स की जानकारी चाहिए तो उसमें काम आते हैं, पर्सन के बारे में जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पढ़ाते वक्त पर्सन का चर्चा नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि पर्सन में लोग कन्फ्यूज होते ही रहते हैं, इसलिए मेरा तरीका कुछ और है समझाने का। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पर्सन क्या है, आप इन सब सभी चीज़ों को लिख लेना अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।